सो पिछले वीडियो में हमने स्टॉप किया था यहाँ तक। ये है बीट्स की इक्वेशन, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये ए जो है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड। तो अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि जो हम करते आ रहे हैं, जो हमने स्टेशनरी वेव्स में किया, जो हमने ऑसिलेशंस में किया, वही सब बातें रिपीट कर रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ यही इक्वेशन चाहिए। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है? समझ में आ रही है बात? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है? तो हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ों से वो बना है। तो करना क्या है, एम क्या है? आर की कुछ ना कुछ वैल्यू देखनी है हमें, आर की कोई ना कोई वैल्यू हमें देखनी है। अब किसका बना है? टू का, ए का और कॉस का, और कॉस के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। नो मैटर ये भयंकर लग रही हैं, नो मैटर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, किसके अंदर आ रही हैं? कॉस के अंदर आ रही हैं। अगर हम कॉस का ग्राफ हम अगर देखें तो हमें पता है कि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा है। ग्राफ बनाने का मतलब 0 डिग्री पे कॉस 1 है, या फिर हाँ पाई बाय 2 पे 0 है, पाई रेडियन पे इतना है, 3π/2 पे इतना है एंड 4π/2 पे इतना है। तो कॉस मैक्सिमम कब कब है हमें वो देखना है, मतलब समझने की कोशिश करो कॉस मैक्सिमम कहाँ है। तो कॉस मैक्सिमम है 0 पे, पाए पे और 2π पे। समझ में आ रही है बात? कॉस मैक्सिमम कब कब है? 0 पे, पाए पे, 2π पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझे तुम दया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड कुछ इनमें से वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब कॉस ऑफ कुछ हम लें और हमें यहाँ पर मिले 1। एम क्या है? कॉस हम कुछ हम लें, हमें यहाँ क्या मिले 1। 1 क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वो कैसे होगा अब हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं कहता हूँ आर की वैल्यू है ±2a, अगर मैं कहता हूँ आर की वैल्यू क्या है ±2a, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। जब आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो आर के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ±2a। तो यहाँ मिलेगा 2a और ये है कॉस ऑफ सो एंड सो। जो भी होने दो, मैटर नहीं करता है, जो भी होने दो मैटर नहीं करता है। डायरेक्ट कैंसल, डायरेक्ट कैंसल, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर 1 मिल गया। अब ये क्या हो गया? ±1। मुझे पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है +1, मिनिमम वैल्यू है -1। तो मेरा जो एम था वो मुझे मिल गया। समझ में आ रही है बात? जो ये अभी लिख रहा हूँ क्वांटिटी, वो कुछ भी होने दो ना, कुछ भी। मैक्स का प्रूफ है, मैक्स का प्रूफ नहीं बट रूल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होने दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो इन सब का आंसर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। कॉस प्लस माइनस 1 कब कब हो सकता है? कॉस प्लस माइनस 1 कब कब हो सकता है? तो 0 पे हो सकता है, कब हो सकता है? 0 पे हो सकता है, पाए पे हो सकता है, 2π पे हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। अगर डायरेक्ट जाना है तो बुक से देख सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस कॉस ऑफ 1 के जगह ये सारी चीज़ें, यानी कि कॉस की वैल्यू 0 हो सकती है या पाए हो सकती है या 2π हो सकती है, और इन सब को इक्वल कर देता हूँ इन सब के, यानी कि कॉस ऑफ 2π (n1 - n2)/2, साथ में t भी है। बट ऐसा कभी कोई लिखता है क्या ज़िंदगी में 3-3 वैल्यू? तो ऐसा फिजिक्स के टर्म्स में नहीं चलता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे कॉस ऑफ p π। क्या है? कॉस ऑफ p π, इसी को लिख दिया और बोल देंगे कि p की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हर चीज़ यहाँ पर चल रही है। शायद मेमोरी फुल हुई,
नहीं, मेमोरी तो फुल नहीं हुई क्योंकि पॉप आउट ऐसे आवाज़ आई, तो 012। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पी पाई इस पूरे के जगह, सो कॉस ऑफ पी पाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पी पाई। अब कॉस ऑफ दिस क्या हो जाएंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी पाई इज इक्वल्स टू टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू टाइम्स टी। टू टू तो मैंने पहले ही कहा था कैंसिल कर सकते हो, पाई भी कैंसिल कर सकते हो, तो टाइम पीरियड क्या बचा, टाइम पीरियड बचा पी डिवाइडेड बाई एन वन माइनस एन टू। अब पी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो पी की वैल्यू हो सकती है ज़ीरो। तो जब पी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो टी कितना रहेगा, ज़ीरो। जब पी की वैल्यू वन रहेगी तो क्या हो जाएगा आंसर, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। जब पी की वैल्यू टू रहेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, टू माइनस टू अपॉन एन वन माइनस एन टू। थ्री रहेगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा चलता रहेगा। अब कोई भी दो क्वांटिटी लो, उनको माइनस करो कॉन्जिक्यूटिव, देखो आंसर क्या मिलता है। वन ये माइनस ये, आंसर क्या मिलेगा, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। दिस माइनस दिस, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। दिस माइनस दिस, वन अपॉन एन वन माइनस एन टू। दिस प्रूव्स दैट जो हमें साउंड सुनाई दे रहा था उसका टाइम बिटवीन दो बीट्स भी सेम ही है, यानी कि जो टाइम बिटवीन टू मैक्सिमास है, ये हमने क्या कंसिडर किया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बीच का टाइम भी सेम ही रहेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है, गैस कर सकते हो? तो सेकेंड पार्ट भी हम एज इट इज़ ही जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आप पॉज करके खुद ही जाने की कोशिश करें। सो सेकेंड पार्ट क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी। सो मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि चलो थोड़ा स्पीड अप ना करके थोड़ा सा वैसे ही जाते हैं, क्योंकि घाई घाई में कुछ कह दूँ ना समझे फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, इसी वे में जाएंगे। बट अब वैक्सिंग तो हमने देख लिया, वैक्सिंग यानी कि पीक। अब क्या देखना है, वेनिंग देखना है। तो वेनिंग में मतलब वैक्सिंग था पीक पॉइंट, वो तो हमने देख ली। वेनिंग में क्या देखना है, जीरो चीज। तो कोई भी चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है जीरो। यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। पहले हम सोच रहे थे क्या लें क्या लें, तो हमने पहले हमको राइट हैंड साइड को क्या बनाना था, वन बनाना था। बट अगर वन बना दूं तो टू ए मेरा गायब नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इंटेंसिटी लिखनी थी ना, आर हमको ए के टर्म्स में लिखना था क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है। तो हम कंफ्यूज थे कि क्या लें क्या लें, तो हमने प्लस माइनस टू ए लिया और कैंसिल हो गया, वन हुआ। अब क्या करें, अब मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब जीरो, समझ में आ रही है बात? सो लेट आर बी इक्वल्स टू जीरो, ऑटोमेटिकली ए गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला साइड जीरो है, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो कुछ भी लेने दो, वैसे भी टू को यहाँ भेजो क्या हो जाएगा, जीरो। ए को यहाँ भेजो क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस को यहाँ भेजो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कॉस जीरो पे भी कॉस को कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, हम देख सकते हैं यहाँ से। अगर कॉस पाई बाय टू है तो भी उसको जीरो वैल्यू है, अगर थ्री पाई बाय टू है तो भी उसकी कुछ वैल्यू है जो कि है जीरो, यानी कि जीरो पे भी कॉस की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल है। तो यहाँ मैं अब क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमने पहले लिखा, यहाँ लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू एंड सो ऑन। और यहाँ हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस ऑफ टू पाई टी एन वन माइनस एन टू बाय टू। कॉस कॉस ऑफ कोर्स है आउट हो जाएगा, बट हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, टू पी प्लस वन टाइम्स पाई बाय टू, जनरल फॉर्म है। अब पी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो वन इंटू पाई बाय टू, पाई बाय टू। पी की वैल्यू वन है तो टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री पाई बाय टू। पी की वैल्यू टू है, फोर प्लस वन फाइव पाई बाय टू। सो ऐसा पी रहेगा। सो ये क्या कर दिया हमने,
जनरल एक बना दिया, तो अब इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, यानी कि 2p + 1π/2 टाइम्स पाई बाय टू। बट कॉस कॉस बाय नेचुरल सब कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पाए यहाँ से, टू टू यहाँ से कैंसिल, पाए पाए यहाँ से कैंसिल, तो अब टी क्या बचेगा मुझे, टी वहीं रहन दूँ, इसको भेज दूँ नीचे, सो ये हो जाएगा 1/(n1 - n2) टू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ हो जाएगा 2p + 1। सो मुझे कुछ जनरल वे ऐसा कुछ मिल रहा है। तो अगर p ज़ीरो है, अगर p ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/(2)(n1 - n2) p अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 3/(2)(n1 - n2) p अगर 2 है तो 2 × 2 = 4, 5/(2)(n1 - n2) तो पहले जैसे हमने किया था, दोनों को माइनस किया था, उस तरीके से फिर से माइनस करके देखो किसी भी दो क्वांटिटीज़ को। अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो 3 - 1 बचेगा 2, 2 / 2 कैंसल, आंसर क्या आएगा, 1/(n1 - n2) सेकेंड चीज़ लें, अगर 5 - 3 क्या आएगा आंसर, 2, 2 / 2 भी है कैंसल, 7 - 5 = 9 - 7। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो वही आया जो पहले केस में आया था। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरली खूबसूरत फिनोमेनम है बीट्स, जहां पर ना कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और ये सब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, बट इवन फ्रीक्वेंसीज और उनके टाइम पीरियड और उनके डिफरेंसेस भी काफ़ी कॉन्स्टेंट है, यानी कि मैचिंग है, यानी कि रैंडम नहीं है, दो के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस हमेशा एक ही आएगा। सो इस तरीके से बीट्स फिनोमेनम हमारी आज ख़त्म हुई। सो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसका नाम होगा डॉबलर इफेक्ट इन साउंड। सो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।